हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न क्विस्ट। आज हम सीखेंगे कि अपने मोबाइल से कैसे एक खूबसूरत प्रेजेंटेशन के लिए स्लाइड बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले स्लाइड बनाने के लिए एक प्रॉपर ऐप होना जरूरी है। तो मोबाइल में स्लाइड बनाने के लिए बहुत सारा ऐप है, तो जिसमें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट भी आता है, फिर कैनवा भी आता है, कैनवा से भी हम प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, फिर प्रेजेंटेशन क्रिएटर भी है, फिर गूगल स्लाइड भी है। तो इसमें से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट भी अच्छा है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में कभी कभी पैसा मांगता रहता है, जो बहुत ही एडिटिंग होता है। तो इसलिए आज हम सीखेंगे गूगल स्लाइड से। गूगल स्लाइड मेरा हमेशा ही फेवरेट रहा है, क्योंकि और गूगल स्लाइड मेरा फेवरेट होने का कुछ रीज़न भी है। लाइक पहला रीज़न तो ये है कि ये टोटली फ्री है, और दूसरा रीज़न ये इजी टू यूज़ है, और तीसरा और सबसे खास जो रीज़न है, कुछ दिन पहले ही गूगल ने गूगल का आईओ इवेंट रखा था, और उस इवेंट में गूगल ने अनाउंस किया कि गूगल स्लाइड में एआई आने वाला है। तो पहले आप लोग छोटी सी क्लिप देख लीजिए गूगल की तरफ से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। AI can act as a coach, a thought partner, a source of inspiration, as well as a productivity booster across all of the apps of Workspace. For example, you get your extended family to collect anecdotes, haikus, jokes for your parents' 50th wedding anniversary in a slide deck. Everyone does their bit, but maybe this deck could have more pizzazz. Let's pick one of the slides and use the poem on there as a prompt for image generation. Mom loves her pizza, cheesy and true, while Dad's favorite treat is a warm butter fondue. Let's hit create and see what it comes up with. Behind the scenes, that quote is sent as an input to our text-to-image models, and we know it's unlikely that the user will be happy with just one option, so we generate about 6 to 8 images so that you have the ability to choose and refine. Whoa, I have some oddly delicious-looking fondue pizza images. Now, this style's a little too cartoony for me, so I'm going to ask it to try again. Let's change the style to photography and give it a whirl. Just as weird, but it works for me. So next, हमें Google Slide डाउनलोड करना है, इसलिए हम चले जाएंगे प्ले स्टोर में। हम इसमें सर्च करेंगे गूगल स्लाइड। ओके, तो ये हमारा गूगल स्लाइड है, इसको हम इंस्टॉल करेंगे। ओके, हमारा गूगल स्लाइड रेडी है, तो हम इसको ओपन करते हैं। ओके, गूगल स्लाइड ओपन करने के बाद ही ऐसा एक व्यू आपको मिलेगा। ये जो पीपीटी आप लोग देख रहे हो, ये सब मेरा प्रीवियस पीपीटी है। तो गूगल स्लाइड में नीचे की राइट साइड में एक प्लस आइकॉन है, इसमें अगर हम क्लिक करें तो इसमें दो ऑप्शन हमको मिलता है, न्यू प्रेजेंटेशन और चूज टेम्पलेट। आप लोग चूज टेम्पलेट भी कर सकते हो, इसमें कुछ टेम्पलेट दिया हुआ है, इसमें लाइक ये सब टेम्पलेट है, और हम करेंगे न्यू प्रेजेंटेशन, ये टोटली ब्लैंक होगा। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट स्लाइड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसका थीम चेंज करेंगे। ओके, तो थ्री डॉट में क्लिक कीजिए, चेंज थीम, और इधर बहुत सारा थीम आ गया। ओके, जो आप लोगों का अच्छा लगता है वही आप लोग यूज कर सकते हो। मैं लाइक ये, अच्छा ये वाला मैं यूज करता हूँ। ओके ओके, इसमें हम लिखेंगे अपना टाइटल। ओके, एक एग्जांपल के लिए मैं एक टाइटल लिख लेता हूँ, लाइक मेरा मैं प्रेजेंटेशन दूंगा कि पॉलीमरिक चेन रिएक्शन, PCR। इसको हम इधर से फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। पहले मैं इसका फॉन्ट चेंज कर लेती हूँ,
ऐसे में हम फॉन्ट चेंज करते हैं, हम लेंगे टाइम्स न्यू रोमन, ओके। फिर हम करेंगे इसको मिडिल में लेके आती हूँ, ओके। इधर आप लोग बोल्ड कर सकते हैं, ये नॉर्मल हो गया, ये बोल्ड हो गया, ये इटैलिक और ये अंडरलाइन, ओके। तो हम इटैलिक भी नहीं रखेंगे, अंडरलाइन भी नहीं रखेंगे, ओके। और यहाँ से हम कलर भी कर सकते हैं, ओके। लाइक अगर मैं रेड कर देती हूँ, ओके, हो गया रेड, हो गया। पॉइंट के लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं, एरो वाला ये, और वन टू वाला भी है, लेकिन हम यूज़ नहीं करेंगे, ओके। फिर इधर बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं हम, लाइक ये आप लोग देख सकते हो कि बैकग्राउंड चेंज हो गया, लेकिन हम ट्रांसपेरेंट रहने देंगे, ओके। अच्छा, तो हमारा क्या हो गया, पीसीआर हेडिंग हो गया। इधर हम लिखेंगे बाय और खुद का नाम, ओके। इधर हम लिखते हैं बाय 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 हसबिन अहमद, ओके। ये मेरा नाम भाई हसबिन अहमद, इसको हम लेके जाएंगे इधर, ओके। पीसीआर इधर लेके जाएंगे, ओके। इसका भी फॉन्ट चेंज कर दिया, ओके। तो हम पकड़ लेते हैं कि हमारा फर्स्ट स्लाइड खत्म हो गया। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड के लिए ये नीचे की तरफ, लेफ्ट की तरफ नीचे एक स्लाइड का फ्लैश आइकन आता है, इसमें क्लिक कीजिए और बहुत सारा ऑप्शन आप लोगों को मिल जाएगा। आप एक क्लिक करके वो ले सकते हो, लाइक हम लेंगे ये वाला लेते हैं, ओके ओके। ये हमारा दूसरा स्लाइड होगा, पहले हेडिंग लिख लेते हैं कि पॉलीमरिक चेन रिएक्शन। ओके, तो ये है हमारा हेडिंग, तो इसको हम ऊपर लेके जाते हैं इधर, ओके। तो ओके, ये हेडिंग हो गया पॉलीमरिक चेन रिएक्शन, इसको एक लाइन में लेके आते हैं। और इसका फॉन्ट भी चेंज करना है, हम लेते हैं ये वाला ले लेते हैं, अच्छा लगता है, अच्छा। ओके, हम चेंज कर दिया, हम फॉन्ट भी चेंज कर दिए। फिर इसको मिडिल में लेके आते हैं, ओके। तो इसको फिर मिडिल में लेके आते हैं, इसको मिडिल में लेके आते हैं, ओके ओके। लाइक बेसिक जो फंक्शन होता है, वो बेसिक फंक्शन आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। तो पहले आप लोग प्लस में क्लिक कीजिए, प्लस में क्लिक करने के बाद पहले जो ऑप्शन मिलते हैं वो है कमेंट्स। आप लोग इसमें क्लिक करके इस स्लाइड के लिए स्पेसिफिक कुछ कमेंट लिख सकते हैं, ओके। लिख के भेज सकते हैं इधर, ओके। तो ये कमेंट इस स्पेसिफिक स्लाइड के लिए हो गया। और दूसरा जो ऑप्शन आप लोगों को मिलता है वो है टेक्स्ट। अगर कोई टेक्स्ट अगर आप लोगों को इधर लेना है, तो एक प्लस आइकन कीजिए, उसमें से टेक्स्ट ऑप्शन लीजिए, ओके। लाइक मुझे लिखना है हसबिन हमें, ओके। तो ये इसको हम कलर चेंज कर देंगे, क्योंकि ब्लैक अच्छा नहीं दिख रहा है, इसको व्हाइट कर देते हैं। और इसको बोल्ड करके फॉन्ट भी चेंज कर देती हूँ, इसको मिडिल में लेके आती हूँ, ओके। अभी अच्छा, इसको ऊपर थोड़ा सा ऊपर बना, हो गया एक टेक्स्ट भी अच्छी तरह से हो गया। लाइक इस लाइट में एक इमेज ऐड करना है, वो कैसे हम करेंगे, इसके लिए प्लस आइकन पे क्लिक कीजिए, देन इमेज। इमेज आप लोग दो तरह से लेके सकते हैं, फ्रॉम कैमरा, कैमरा से डायरेक्ट शूट करके भी ले सकते हैं, और गैलरी से भी ले सकते हैं, फ्रॉम फोटोज। इसमें से लाइक मैं ये वाला इमेज लेता हूँ, ओके। किसके छोटी करके इधर, लाइक ये वाला इमेज मुझे हमें चाहिए, ओके। तो इमेज, ओके, तो सक्सेसफुली इमेज भी हम ऐड कर दिए, इसको क्रॉप कर देते हैं ऊपर से, अच्छा इतना ही चाहिए, ओके, क्रॉप भी हो गया। नेक्स्ट, अगर हमको एक शेप चाहिए होता है, तो शेप हम कैसे ले, सेम क्लिक प्लस आइकॉन देन शेप, ओके। इधर बहुत, अच्छा इधर बहुत सारा शेप होता है, आपको जो चाहिए आप लोग वो यूज़ कर सकते हैं। लाइक मैं ये यूज़ कर लेती हूँ, लाइक इस, अच्छा ओके। ऐसे हम एक शेप भी ले सकते हैं, ओके। अगर ऐसे मान लीजिए कि हमको एक लाइन भी चाहिए, वो कैसे लेंगे,
क्लिक प्लस आइकॉन देन लाइन। ओके, इधर तीन तरह के लाइन आप लोग ले सकते हैं, लेकिन मैं बेसिक ही लेती हूँ। ओके, बेसिक लाइन, एक बेसिक लाइन हो गया। ओके ओके ओके, एक लाइन हो गया। ओके, नेक्स्ट हम सीखेंगे कि लाइक हमें एक टेबल की ज़रूरत हो सकती है, तो हम टेबल कैसे लें। लेफ्ट साइड में जो स्लाइड का प्लस आइकन है उसमें क्लिक करके एक न्यू स्लाइड हम ऐड कर देंगे। ओके, इसमें से एक टाइटल लिख लेते हैं। ओके, लेबल। ओके ओके पीसी। ओके, तो हमारा हेडिंग हो गया पीसीआर टेबल। इस लाते हैं, इसको फॉन्ट चेंज कर देते हैं। ओके, इस हेडिंग को हम बीच में लाते हैं। ओके, इधर हम एक टेबल ड्रॉ कर करेंगे। ओके, से प्लस आइकन को क्लिक कीजिए देन टेबल। ओके, इधर हमें दो ऑप्शन मिलता है, कितना चाहिए और रॉ कितना चाहिए। हम दर हम पकड़ लेते हैं कि हमको चार कोल हम पकड़ लेते हैं कि हमको चार कॉलम चाहिए, चार कॉलम, और रॉ चाहिए हमको पाँच। ओके, फाइव चाहिए कॉलम। ओके, फोर कॉलम और रॉ फाइव। ओके, इंस्टेंट। ओके, तो हमारा टेबल आ गया, हम इसमें से कुछ भी इस टेबल में लिख सकते हैं, लाइक पीसीआर 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 ऐसे हम लिख सकते हैं, पूरा कॉलम पूरा टेबल में हम लिख सकते हैं ऐसे करके। ओके, तो ऐसे एक खूबसूरत प्रेजेंटेशन स्लाइड अपनी मोबाइल से हम बना सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को मेरा प्रीवियस जो मैंने बनाया था प्रेजेंटेशन, वो आप लोगों को थोड़ी दिखा देता हूँ, लाइक ये है एक बैकक्रॉस मेथड का तो ये है एक बैकक्रॉस मेथड का प्रेजेंटेशन स्लाइड। ये देखिए कितना सुंदर होता है ये। ओके, ये सब गूगल। ओके, ये सब गूगल स्लाइड में ही डिजाइन किया गया है। ये है डिजिशॉप कॉटन। ओके, ये है डिजिशॉप कॉटन। तो बहुत अच्छी तरह से एक स्लाइड हम अपने मोबाइल से ही बना सकते हैं ऐसे करके। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही। टेक केयर एंड गुड बाय।